हेडिंग लिखेंगे हम लोग लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, लिमिटेशन ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट, ही वॉज नॉट एबल टू गिव He was not able to give a fixed position, a fixed position to the hydrogen element. सेकेंड, फर्स्ट पता चलेगा ही वॉज नॉट एबल टू गिव फिक्स्ड पोजिशन टू हाइड्रोजन एलिमेंट, या सिंपली टू हाइड्रोजन लिख दोगे तो भी चलता है, कोई इशू नहीं है। सेकेंड, ही प्लेस्ड कोबाल्ट बिफोर निकल, He placed cobalt before nickel. Though it had greater atomic mass. Though it had greater atomic mass. अब थर्ड पॉइंट, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, एक्चुअली मेंडेलीव के टाइम तक आइसोटोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम लिख रहे हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स He was not able to give proper place to them. He was not able to give proper place to them. वो हमने तीन लिमिटेशंस है, अब हम इन लिमिटेशंस को समझते हैं कि ये लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमने बोला ही वॉज नॉट एबल टू गिव फिक्स प्लेस टू हाइड्रोजन, एक्चुअली हाइड्रोजन का इश्यू है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। अब एटॉमिक मास 1 होने के साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की तरह है, इट कैन लीव 1 इलेक्ट्रॉन, और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाली जैसी है, यानी नॉन मेटल जैसी है, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। तो मेंडेलीव को समझ में नहीं आया कि मैं इसको कहाँ रखूं, आखिर मैं हाइड्रोजन को क्या मानूं, मैं मेटल मानूं, मैं नॉन मेटल मानूं, मैं कोई गैस मानूं, क्योंकि मेटल्स गैस नहीं होते, एक्सेप्शन हमारे पास सिर्फ मर्क्यूरी का है विच इज अ लिक्विड, लेकिन मेटल्स को हम कभी भी गैस नहीं बोलते। अब हाइड्रोजन का क्या करें वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। नॉर्मली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब मोनो एटॉमिक होते हैं, यानी Li, Na, K,
एम जी सी ए है ना, लेकिन एच कैसा होता है, एच टू डाई एटॉमिक है, हमेशा डबल एटम्स के फॉर्म में चलता है, तो ओ टू होता है, एन टू होता है, तो क्या मैं वैसा मानूं, मैं क्या करूं? मेंडली को कंफ्यूजन था, यह कंफ्यूजन उनका ड्रॉबैक बन गया, उनके कंफ्यूजन वही जा सकते हैं, हम तो सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि माइट बी ये रीजंस रहे होंगे जिनके कारण ही वॉज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर प्लेस टू हाइड्रोजन। ये जो भी मैं आपको समझा रही हूँ ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, लिखने का काम आपने कर लिया है ना, जो ड्रॉबैक्स थे वो आप लिख चुके, आंसर आपका वही है, अब अपन सिर्फ समझ रहे हैं कि ये ड्रॉबैक्स कैसे हो सकते हैं। दूसरा, ही प्लेस्ड कोबाल्ट बिफोर निकल, क्या करा, उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा, बाद में रखने का मतलब थोड़ा सा इसको समझते हैं, कल भी मैंने ये लाइन आपको बताई थी कि फर्स्ट डॉबरनियर हुआ, न्यूलैंड हुआ, मेंडलीव हुआ, इन सब लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल की डिजाइनिंग करी थी इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मास बढ़ाते जाइए और एलिमेंट्स को अरेंज करते जाइए, जिसका जो एटॉमिक मास है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उनको अरेंज कर दिया, सबने यही काम करा था, पहले वाले ने एवरेज निकाला, फिर दूसरे वाले ने एटॉमिक मास की वैल्यूज को रख कर देखा, मेंडलीफ ने भी एटॉमिक मास लिया, ठीक है, लेकिन मेंडलीफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, उन्होंने क्या बोला, बोले मैं कोबाल्ट को पहले रखूंगा, एक्चुअली ये सीरीज होती है आयरन फिर कोबाल्ट फिर निकल, तो उन्होंने बोला मैं पहले कोबाल्ट को रखूंगा उसके बाद निकल आएगा, ये पूरी एक सीरीज चल रही है, सबने बोला क्यों रखोगे भाई, आपने सबको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली रखा है, आपने रखा है कि जिसका एटॉमिक मास कम वो पहले फिर उससे ज्यादा वाला फिर उससे ज्यादा वाला, तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू निकल, तो आप निकल को पहले रखिए कोबाल्ट को बाद में रखिए। उन्होंने बोला नहीं भाई, मेरा जो ग्रुप डिजाइन हो रहा है उस ग्रुप के हिसाब से यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली प्लेस्ड हो रहे हैं और उनके हिसाब से कोबाल्ट की प्रॉपर्टी यहीं पर सेट होती है और निकल की प्रॉपर्टी बाद में आती है। बोले नहीं, यू आर डिनाइंग योरसेल्फ, आपने बोला है कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करना है तो करिए और नहीं तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए। उन्होंने बोला जगह तो मेरे हिसाब से फिक्स है, एक्सप्लेनेशन की कमी मेरे से हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कि भाई कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है बट स्टिल मैं उससे पहले रख रहा, क्या बन गया उनका लिमिटेशन, जबकि ये उनका अचीवमेंट होना चाहिए था कि एटॉमिक मास ज्यादा होने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर रखा, उन्होंने लड़ाई करी कि नहीं मैं अपनी बात पर सही हूँ, बट क्या कहलाएगा, ड्रॉबैक, कि आप एग्जैक्ट अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो इट इज योर ड्रॉबैक। तो फर्स्ट ड्रॉबैक, ही वाज नॉट एबल टू गिव फिक्स पोजीशन टू हाइड्रोजन, सेकंड ड्रॉबैक ही प्लेस्ड कोबाल्ट बिफोर निकल, दो कोबाल्ट हैज ग्रेटर एटॉमिक मास, ज्यादा होने के बाद में भी पहले रखा, ये उनका सेकेंड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, पहली बात अभी आपको लिखना पड़ेगा कि वॉट आर आइसोटोप्स, इसके बारे में अपन लिखेंगे कि वॉट आर आइसोटोप्स, तो द एलिमेंट्स, आइसोटोप्स की डेफिनेशन है द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic masses are called as isotopes. For example, C6-12, C6-14, these are the isotopes of carbon. They are same atomic number but different atomic masses. इन्हें हम लोग बोलते हैं isotopes.
जब मेंडलीव ने डिस्कवरी करी, पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया, तब तक आइसोटोप्स नहीं थे, किसी को नहीं मालूम था आइसोटोप नाम की चीज भी होती है। लेटर ऑन जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई तो क्वेश्चन पूछा गया कि अब आपने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है वो पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से है। आपने अपने पीरियोडिक टेबल में यहाँ कार्बन को रखा है, उसके बाद आपने अपने पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन को रखा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। अब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स हमारे पास एक कार्बन आ गया, हम एटॉमिक नंबर की बात उस वक्त नहीं कर रहे, हमारे पास एक एटॉमिक मास 14 वाला एक नया कार्बन आ गया। तो क्वेश्चन मार्क हो गया कि अब ये कार्बन नंबर 14 वाला आप नाइट्रोजन के साथ रखोगे या ये कार्बन है इसलिए आप यहाँ पर रखोगे। पार्ट समझ में आ रहा है, ड्रॉबैक क्या चल रहा है? मेन जो ड्रॉबैक है वो एटॉमिक मास के कारण हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एटॉमिक मास बदल गया। तो एटॉमिक मास बदला तो वो नाइट्रोजन के एटॉमिक मास के बराबर हो गया, N14 और C also 14। तो अब ये जो कार्बन 14 है इसको नाइट्रोजन के साथ रखें या ये कार्बन का आइसोटोप है तो कार्बन के साथ रखें, क्वेश्चन मार्क। आप जगह नहीं बता सकते तो इट इज योर ड्रॉबैक। तो थर्ड ड्रॉबैक इज ही वॉज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर प्लेस टू आइसोटोप्स। तो आपको समझ में आएगा कि आइसोटोप्स मतलब द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। ठीक है, ये पार्ट आपके समझने के लिए है, ये आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है। हाँ, आइसोटोप्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल C6 12 और C6 14 ये आप लोगों को लिखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में काफी कुछ यूज कर रहे हैं, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए काफी लोगों ने मेहनत करी, तो एक जने की मेहनत से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार नहीं हो गया। फिर भी हम लोग अगर क्रेडिट देंगे तो द क्रेडिट इज गिवन टू मोजले, इट इज हेनरी मोजले इन द ईयर 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि एटॉमिक नंबर क्या लिखना है आपको, एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। या दूसरी लैंग्वेज इसके लिए यूज करी जाती है, एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स। मेन बात ये कि अभी तक जितने भी चल रहे थे उन सब ने एटॉमिक मास को पीरियोडिक माना, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही है। वो रिपीट कब होगी, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। अब जो भी हमारे पास आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमने जो अरेंज किया दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकाले गए
और उन्हें 1, 2, 3, 4 के टर्म्स में हम लोगों ने पूरा का पूरा अरेंज किया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है और किसने दिया, तो सबसे पहले इन 1913 हेनरी मोजले शोड दैट द एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक, ये बात हमें हेनरी मोजले ने बोली। और इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल बनना शुरू हुआ वो एटॉमिक नंबर के टर्म्स में हो गया। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ये सब आपको मेरे साथ साथ लिखते जाना है, मैं अलग अलग इन चीजों को डिक्लेयर नहीं करूंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स होते हैं एसपीडीएफ। पहले एक सीरियल आता था पावर रेंजर्स, एसपीडीएफ आर द पावर रेंजर्स। तो 4 ब्लॉक्स एसपीडीएफ। ठीक, अब एस ब्लॉक वाले जो हैं दे आर मेटल्स, एस ब्लॉक में हमारे पास में 2 ग्रुप्स रहेंगे, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप मेटल्स आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स, व्हाइल सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली का मीनिंग होता है दैट ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे अपन ने सोडियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया या कैल्शियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और उसे जब हमने पानी में डाला तो हमें मिला CaOH होल ट्वाइस। तो देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होते हैं नेचर में, इसलिए हम उन्हें एल्कली बोलते हैं। दूसरी बात, सेकेंड ग्रुप जो है जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम ये हमें अर्थ में से मिलते हैं, मेनली ये जो है अर्थ क्रस्ट में से रॉक्स में से हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है, इसलिए इन्हें हमने कॉमन नाम ले दिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप इज टूगेदर कॉल्ड एज एस ब्लॉक। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का जो पूरा ब्लॉक बना ये पूरे ब्लॉक को हमने नाम दिया एस ब्लॉक। ये वाली जो साइड है एक्सट्रीम राइट इसे बोला जाएगा पी ब्लॉक पूरा। ये आपका रहेगा 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 6 ग्रुप्स यहाँ पर रहेंगे। दीज 6 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें बोला जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वाला जो बीच वाला पार्ट आपको नजर आया थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, इसमें ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स होते हैं। टोटल 10 ग्रुप्स आर देयर, इन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 1 और 2 ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 से लेके 18 वाले को बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 3 से 12 वाले को बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट एंड अ सेपरेट ग्रुप प्रेजेंट बिलो द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक।
इसको हम ऐसे डिवाइड ना करके, मैंने ऐसे लाइन खींची है, यहाँ पे दो ही पीरियड्स होते हैं, ये अलग है, ये आपके 18 ग्रुप हो चुके हैं। उसके अलावा नीचे एक पार्ट प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये आप लोग पूरा ड्रॉ करते जाएंगे, आपको इसी तरीके से लर्न भी करना है कि पहला एस, उसके बाद इधर पी, उसके बाद बीच में डी और उसके बाद एफ। एस पी डी एफ, एस के अंदर दो एल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पी के अंदर 13 to 18, डी के अंदर 3 to 12 और एफ ब्लॉक इज प्रेजेंट बिलो। उसके अलावा अभी नाम मेरा बाकी है लिखवाना। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसे ही एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये पार्ट टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा दिया, बट प्लीज कंप्लीट करिए, इतना मुझे चाहिएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये वाला जो आपका फर्स्ट पीरियड है, मैंने बोला इनको हमने ऐसे डिवाइड करा है, तो ये कहलाएगा पीरियड। तो जो फर्स्ट पीरियड है उसे बोलेंगे लेंथेनॉइड्स। और सेकेंड पीरियड को बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। ये इनके कॉमन नेम है बेटा। ऊपर वाले को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और नीचे वाले को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपके में भी पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, उसमें ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड वर्ड आपको मिलेंगे। ये कुछ नाम मुझे चाहिए हैं कि आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हमें तो कुछ नहीं आता। और लास्टली एस एंड पी, एस एंड पी आर टुगेदर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस एंड पी आर टूगेदर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। हम लोग पहले पूरे 18 ग्रुप्स ड्रॉ करेंगे, उसमें से हम एस और पी ब्लॉक को लर्न करेंगे। डी और एफ में आपको नहीं करा रहे हो, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको एस और पी की जरूरत है, हम उतनी बात कर रहे हैं। ये पार्ट में छोटा ले रहा हूँ बिकॉज हमें डी ब्लॉक नहीं करना है। ये हमारा एस ब्लॉक, वो वाला पी ब्लॉक, ये वाला डी ब्लॉक और नीचे हमारे पास में है एफ ब्लॉक। ठीक, इस ब्लॉक में हम लोग यहाँ ऊपर एक एक्स्ट्रा प्लेस बनाएंगे और लास्ट में यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेस बनाएंगे। दो जगह आप लोगों को एक्स्ट्रा लेना है। दिस इज हाइड्रोजन
एंड दिस इज हीलियम. नंबर दो है तो ये प्रूफ नंबर वन, ये टू. थ्री से लेके ट्वेल्व तक यहाँ पर हो गए. लेटर हम 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पता चलेगा. जिन लोगों को लर्न है वेरी गुड, नहीं लर्न है अब करिए, करना तो है और करना पड़ेगा ही. यू हैव नो अदर चॉइस. फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स आपके पास में रहेंगे उन्हें कल भी समझाया था, इट इज लाइक ली ना की रब से फरियाद. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ट्रॉनशियम. बेटा मांगे का, ये जो आपका कार वाला पार्ट है इसके आगे आपका डी ब्लॉक आना चाहिए. ठीक है, डी ब्लॉक जो फिलअप होगा वो कैल्शियम के बाद होगा. तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ऐसा नहीं जहां मर्जी आई वहां पर आपने कुछ भी लिख दिया. बेटा मांगे कार, स्कूटर, बा लाली. वी सेड इट हैज सेवन पीरियड्स. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये पार्ट कहलाएगा पीरियड्स. ग्रुप ऐसे वाले कॉलम वाइज और पीरियड्स मतलब रो वाइज. ये जो पूरा एक रो है इसे हम लोग कहते हैं पीरियड. तो ये वाला पूरा फर्स्ट पीरियड जिसमें है हाइड्रोजन और हीलियम, उसके बाद ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड, उसके बाद ये वाला फोर्थ, फिर ये फिफ्थ, ये सिक्स और लास्ट वन इज सेवन. तो वी हैव सेड दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. अब हो गया हमारा बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी. इसका हमारा पहले हो चुका था. अब स्कूटर आ गया है, मम्मी ने आपको सब्जी लेने भेज दिया है. सब्जी लेने जाओ, बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली, पीएल. बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली. बी इज बोरॉन. AL is aluminium. GA is gallium. IN is indium. And TL is thallium. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Bengan, alu, gajar, in थाली. अब पापा आपकी हरकतों से परेशान हो गए, गुस्से में उन्होंने बोल दिया चलो घर से निकल जाओ, और आपका एटीट्यूड, आप घर से निकल भी गए, कहां पहुंच गए? पा सी गए संत प्रभु. का सी गए, जी गए संत, एस एन प्रभु, पी बी. ये आपके लिए शॉर्टकट्स हैं, आपको पसंद आए तो लर्न करिए, नहीं पसंद आए तो पूरे पूरे नाम करिए. मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको शॉर्टकट लर्न करना कंपलसरी है. इट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. टिन इज SN और PB इज लेड. एक्चुअली में इट इज प्लम्बम, जैसे Na सोडियम बोलते हैं बट इसका असली नाम है नेट्रियम. पोटेशियम K, बट असली नाम है केलियम. तो
अपन लोग सोडियम पोटेशियम यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पर हम टिन और लेड यूज करते हैं, ठीक। काशी गए संत प्रभु, अभी वहां पे क्रिकेट से पैसा कमा रहे हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एएस है आर्सेनिक, ए आर एस ई एन आई सी आर्सेनिक, एस बी टिन, अरे सॉरी नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी ए एन टी आई एम ओ एन वाई एंटीमनी, और लास्ट में बिस्मथ बी आई एस एम यू टी एच, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंटीमनी बिस्मथ। क्रिकेट खेल रहे हो, बेईमानी कर रहे हो। अब अगला नाम आएगा बेईमानी से रिलेटेड, ओल्ड ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो मींस जब हम चीटिंग करते हैं तो उसे हिंदी में बोला जाता है टीपना, तो इट इज ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड इज ऑक्सीजन, स्टाइल इज सल्फर, एस ई इज सेल्यूरियम, एस ई डबल एल यू आर आई यू एम सेल्यूरियम, टी ई is tellurium, oxygen, sulfur, cellurium, tellurium, next polonium, old style से टीपो, oxygen, sulfur, cellurium, tellurium, polonium। नेक्स्ट बेईमानी से पैसा कमा लिया है, बढ़िया घर में टीवी लेकर आए, फुल कलर ब्राइटनेस इन एयरटेल, टीवी लेकर आ गए हैं फुल कलर ब्राइटनेस इन एयरटेल, फुल इज क्लोरीन, सी एल इज क्लोरीन, बी आर इज ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टिटीन, लास्ट वन इज एसटीटीन। अब 18th ग्रुप एलिमेंट आपको याद करना है, हीलियम ये ऊपर लिखा है अपन ने, इसके बाद नियॉन एन ई नियॉन, ए आर आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन के आर, ज़ेनॉन एक्स ई,
and red on are n. ये 18 ग्रुप एलिमेंट हो गया आपका इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस. क्या किया अपन ने, सबसे पहले पापा से कार मांगी, नहीं सबसे पहले अपन ने भगवान से रब से फरियाद करी, उसके बाद पापा से कार मांगी और पापा ने स्कूटर दिलवा दिया. उस स्कूटर पे बैठ के आपको सब्जी लेने जाना है. ऐसा सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको फर्स्ट लाइन तो याद आनी चाहिए कि क्या करना है. तो पहली लाइन में आप सिर्फ कुछ फरियाद कर रहे हो, सेकंड लाइन में आप कार मांग रहे हो, आपको स्कूटर मिल गया, थर्ड लाइन में आप स्कूटर पे बैठ के सब्जी लेने जा रहे हैं, फोर्थ लाइन में आप लोग बाहर चले गए, काशी गए हैं, तो काशी गए संत प्रभु. अब वहां पर अभी अपन क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं. प्लीज इसको किसी धर्म से या इससे रिलेट नहीं कर लेना कि अरे मैम आपने बोल दिया कि काशी जाकर हम क्रिकेट खेल रहे हैं. प्लीज डोंट डू दैट. ये सिर्फ एक सिंबॉलिक फॉर्म है लर्न करने के लिए, ठीक है. हम भगवान की जगह पर कभी भी ऐसा नहीं बोल रहे कि हम जाके कहीं पे बेईमानी कर रहे हैं, ठीक. प्लीज उसके बाद में न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ. आर इंडिया इज द बेस्ट, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ. आपने से किसी का फेवरेट हो तो बाबरे गुस्सा मत हो जाना मुझसे. नेक्स्ट इज ओल्ड स्टाइल से टीपो. उसके बाद में कलर, टीवी की बात आ गई, फुल कलर ब्राइटनेस इन एयरटेल. एंड लास्ट वन इज इनर्ट गैसेस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन. ये आपका पीरियोडिक टेबल फॉर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक जो आपको लर्न करना है.